सो गाइस वेलकम बैक। गाइस आपके काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि लेग्स के ऊपर कोई वीडियो बनाइए, तो चलिए गाइस आपके लिए लेके आया हूँ केवल केवल दो डंबल से आप पूरी की पूरी कंप्लीट लेग्स को ट्रेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वार्म अप बहुत जरूरी है, वार्म अप करके आ जाइए। एंड उसके बाद जो डंबल्स हैं उनके साथ हम कैसे करके कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं। गाइस बेसिक ही वर्कआउट आपका परफॉर्म हो पाएगा डंबल के साथ, तो जो लोग स्किप कर देते हैं लेग्स स्पेशली उनके लिए है कि प्लीज स्किप मत कीजिए लेग्स। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार आज मेरा सैटरडे था, मैक्सिमम लोग का जो अपना जो वर्कआउट रखते हैं वो सैटरडे को रखते हैं और सैटरडे को वो केवल पार्टी कर रहे होते हैं। तो गाइस अगर आपके पास सुबह का समय है और शाम को आपको कहीं पार्टी करने जाना है तो डंबल पकड़ो और 4 से 5 एक्सरसाइज बहुत सुपर इफेक्टिव ये बता रहा हूँ मैं आपको, केवल डंबल से परफॉर्म हो जाएंगी। और घर में परफॉर्म करिए ताकि आपका लेग्स का वर्कआउट स्किप ना हो। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो जो भी आपके पास डंबल हो, चाहे वो 5 kg हो 10 kg का डंबल हो, आप उसको अपने पास रख लीजिए। जैसे मैंने बताया वार्म अप कीजिए, बहुत ज़रूरी है वार्म अप। किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले वार्म होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऑलरेडी देख सकते हो मैं वार्म अप हूँ। तो चलिए पहले बेसिक स्क्वाट्स परफॉर्म करेंगे, एक सेट फुल रेंज ऑफ मोशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको स्लोली स्लोली अपना रेंज ऑफ मोशन बढ़ा के नीचे तक जाना है। यस, तो आप इसके जो पहला सेट होगा 10 से 12 रेपिटेशन का परफॉर्म करेंगे। देन उसके बाद सेकेंड सेट में आप डंबल लेंगे एंड स्क्वाट्स परफॉर्म करेंगे, जस्ट आउट बैक आर्च एंड स्लो डाउन एंड अप। तो गाइस इसके कम से कम 4 सेट परफॉर्म करने हैं आपको 12-12 रेपिटेशन के, तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 होती है डंबल स्क्वाट्स। सो गाइस स्क्वाट्स तो मैंने कर ली 4 सेट। नाउ बॉडी वेट से पहले सेकेंड एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, दैट इज वॉकिंग लंजेस। दिस वे अगर छोटी स्पेस है तो छोटे छोटे स्टेप लीजिए लाइक दिस, और अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है देन लॉन्ग स्टेप बट डायगनल होना चाहिए लाइक दिस। तो काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि आप जब लंजेस कर रहे होते हैं तो आपकी जो नी हर्ट कर रही होती है, वो इसलिए गाइस ध्यान रखिए जब आप फॉरवर्ड प्रेस कर रहे होते हैं अपने लेग को तो आप इसको आगे की तरफ प्रेस कर लेते हैं जिससे आपका लोड आपके नीचे ऊपर गिरता है। तो करना क्या है, स्ट्रेट स्टांस लेंगे एंड आपको क्रॉस जाना है लाइक दिस, देन डाउन क्रॉस, और जब आप जिस जौन सा पैर आपने आगे रखा हुआ उसी पैर के ऊपर आप बैठेंगे दिस वे। तो आपको ऐसे करके नी पेन नहीं होगा। नाउ गाइस पहला सेट लेने के बाद आप जो सेकेंड सेट होगा वो डंबल से परफॉर्म करेंगे, बट मूवमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मूवमेंट का बहुत ज़रूर ध्यान रखें और जैसे जैसे मैं वीडियो में बता रहा हूँ आपको वही आप फॉलो करके इसके भी 4 सेट कंप्लीट करेंगे, तो ये आपकी गाइस एक्सरसाइज नंबर हो जाएगी सेकेंड। सो गाइस 2 एक्सरसाइज तो हो गई हैं और आप देख रहे होंगे मैं डंबल लेको लेके ऐसे लेटा हुआ बेंच में। सो गाइस ये है हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज जिसे कहते हैं लेग कर्ल, प्रोन लेग कर्ल, उल्टा लेट के हम लेग कर्ल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं डंबल मैंने अपने लेग्स के बीच में फंसा दिया है एंड स्लोली नीचे जाना है एंड स्लोली ऊपर आना, झटका मत दीजिएगा ऊपर आते समय। और ध्यान रखिएगा कि आपके दोनों पैरों से डंबल जो है प्रॉपरली होल्ड रहे। अगर आप डंबल को प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पा रहे तो किसी को बोल दीजिए कि आपको स्लोली स्लोली नीचे लेके जाए एंड ऊपर लेके आए। अगर आप डंबल छोड़ दें तो आपके लोअर बैक पर भी गिर सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि आपको स्लोली स्लोली इसको परफॉर्म करना है। और गाइस ये जो एक्सरसाइज परफॉर्मेंस रहेगी ये आपके पर्टिकुलर दिस पार्ट, ये हैमस्ट्रिंग का जो पार्ट है इस पर वर्क करेगी। तो गाइस इसकी भी आप 4 सेट परफॉर्म कीजिएगा, बहुत ध्यान से परफॉर्म करना, अदरवाइज अगर डंबल गिरेगा तो आपके लोअर बैक में लग सकता है और आपको इंजरी हो सकती है। तो इसके भी आप 4 सेट परफॉर्म करेंगे, ऐसे आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 हो जाएगी कंप्लीट। सो गाइस एक्सरसाइज नंबर 4th हैमस्ट्रिंग के लिए 2 डंबल आपके पास होल्ड करेंगे आप ऐसे करके एंड फ्रंट पे लग के आप सबसे पहले ग्लूट्स को पीछे की तरफ प्रेस करेंगे लाइक दिस। अब इसमें गाइस 2 मूवमेंट है, अगर आप कंप्लीट नीचे जाते हैं तो आपके पूरा हैमस्ट्रिंग वर्क करता है लाइक दिस, ठीक है, ये पूरा नीचे जाएंगे लाइक दिस। तो ये पहली मूवमेंट आपकी ये है, और अगर आप हाफ जाते हैं इतना घुटने तक तो आपके ग्लूट्स वर्क करते हैं। तो ध्यान रखिए कि आपको पूरा नीचे जाना है पूरा ऊपर आना है, पूरा नीचे जाना है एंड पूरा ऊपर आना है। तो इसके भी 12 से 15 रेपिटेशन आप परफॉर्म करेंगे, इसके भी आप 4 सेट ले लेंगे तो
तो आपकी एक्सरसाइज नंबर हो जाएगी फोर्थ कंप्लीट। नाउ गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सिंगल डंबल से अपने काफ मसल्स को भी ट्रेन करेंगे। इग्नोर मत कीजिए काफ को भी, बहुत इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप है गाइस। तो करना क्या है, घर पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं आप डंबल से तो क्या करना है, एक पैर को उठा लेंगे एंड इससे आपको रेज करने लाइक दिस, फिर चेंज करेंगे दिस। तो ऐसे ऐसे करके करके आप चार चार सेट 20-20 रैप्स के परफॉर्म करेंगे। तो जो आप लेग्स को स्किप करने वाले थे किसी पार्टी की वजह से या एक्स वाई जी कोई भी आपका काम हो सकता है, तो इस वजह से आप केवल डंबल से इन चारों पांचों एक्सरसाइज को परफॉर्म करके अपना लेग्स का वर्कआउट स्किप करने से बच जाएंगे। वीडियो गाइस अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक पेज फॉलो नहीं किया प्लीज़ फॉलो माई पेज, यूट्यूब पे फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। माई यूट्यूब चैनल इज एमिन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, माई इंस्टा हैंडल इज महेश फटंडा। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, नमस्कार, जय हिंद।